इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 के संबंध में बतलाने इस वीडियो में जा रहा हूं। मित्रों, मैंने पूर्व में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के वीडियो बनाए हैं जो इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तो आर्टिकल 14, 15 और 16 ये तीनों इक्वेलिटी के बेसिस पर आधारित हैं। आर्टिकल 14, 15, 16 इक्वेलिटी के कंसेप्ट को इन तीनों आर्टिकल में बतलाया गया है। तीनों आर्टिकल इक्वेलिटी को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 16 में ये बतलाया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी टर्म है ये वाइड टर्म है, लेकिन आर्टिकल 16 एक लिमिटेड है जो केवल एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट पर एप्लीकेबल होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चली थी तो बी आर अम्बेडकर साहब जो इस कमेटी के मेन थे, उन्होंने इसको रिजर्वेशन को कंपनसेटरी बेनिफिट आर्टिकल 16 के बारे में कहा था। इसमें इसका स्कोप काफी है। सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्शन सोसाइटी में होते हैं जो काफी वीक होते हैं और इन्हें डिस्क्रिमिनेट शुरू से किया जाता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, सभी का कल्याणकारी नीति के तहत विकास हो, भला हो, उनको सभी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सोसाइटी के इन सेक्शनों को अपलिफ्ट करने के लिए ये व्यवस्था दी गई है। यह आर्टिकल सिर्फ सिटीजन को एप्लीकेबल है तथा सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज जॉब आदि में मिले, इसके लिए इस आर्टिकल का बड़ा महत्व है। आर्टिकल 16(1) ये कहता है कि वो सारे जॉब जिन पर स्टेट कंट्रोल करती है, स्टेट के थ्रू उनमें नियुक्ति दी जाती है, स्टेट की जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है या अपॉइंटमेंट है उनमें सब में इक्वलिटी रखी जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिलीजन के बारे में हो, रेस के बारे में हो, कास्ट के बारे में हो, सेक्स के बारे में हो, डिसेंट के बारे में हो, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में हो, रेजिडेंस के बारे में हो। पार्लियामेंट को ये आर्टिकल 62 में का ये एक्सेप्शन है, इसमें रेजिडेंस के बेसिस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कुछ वो रिजर्व कर सकती है। जैसे बैकवर्ड एरिया है, छत्तीसगढ़ है, इसके अंदर जसपुर है, अंबिकापुर है, बस्तर है, इन डेवलपमेंट करने के लिए जहां उनका कुछ कतिपय वर्ग का जो भी डेवलपमेंट है वो काफी स्लो रहा है, तो स्पीडी वहां डेवलपमेंट हो, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की, सोशल डेवलपमेंट हो उनका, स्टेट के पास ये पावर है, कुछ पोस्ट वो इसमें रिजर्व कर सकती है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिनको कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पूर्व में नहीं मिला है, बैकवर्ड क्लासेस में एससी एसटी आते हैं, तो ये व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि स्टेट कुछ पोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है रिजर्व कर सकती है। स्टेट बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में कुछ पोस्ट को रिजर्व करके कर सकती है। ऐसी एक व्यवस्था बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर के केस में हुई थी, जिसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कहा गया कि वे 16(4) उनको एप्लीकेबल होगा। स्टेट की सर्विसेज में एडिक्वेट अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनको इसमें रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 179 में ये व्यवस्था दी गई है कि कैरी फॉरवर्ड रूल लागू होगा। जब सिलेक्शन के समय रिजर्वेशन आदि में कुछ पोस्ट खाली रह गई है उन्हें अगले वर्ष कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इसको कैरी फॉरवर्ड केस के नाम से भी देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस को माना जाता है। इसमें यही व्यवस्था दी गई थी कि जो भी पिछले वर्ष पद भरते समय कोई पद खाली रह गए हैं वो कैरी फॉरवर्ड रूल के तहत अगले साल उनको उन पर विचार किया जाएगा। अब रिजर्वेशन जब 50% से ऊपर जाने लगा तो वो इनवैलिड किए जाने की व्यवस्था की गई, जैसा कि इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में था। इसमें मुरारजी देसाई ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जो मंडल कमीशन के नाम से रखी गई, बीपी मंडल कमीशन। इसमें 27% रिजर्वेशन देने पर विचार किया गया तथा 3743 जो टोटल कास्ट थी
इन पर विचार हुआ कि इंदिरा साहनी केसेज में दो तीन मेन प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन किए गए, उसमें ये कहा गया कि 27% जो रिजर्वेशन है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए सही दिया गया है और इसको अपॉइंटमेंट तक कन्फाइंड किया जाए, ना कि प्रमोशन तक, प्रमोशन में ये लागू नहीं होगा। तीसरा 50% की जो लिमिट थी रिजर्वेशन की, वो लिमिटेड उससे ज्यादा नहीं रखी जाएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में विचार किया जा सकता है। इसके बाद 77th अमेंडमेंट लाया गया, उसमें आर्टिकल 16(4)A इंक्लूड कर दिया, जिसमें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दिया गया था। फिर 16(5) आर्टिकल जो है उसमें रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यदि किसी ऑफिस के मेंबर के लिए उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलर रिलीजन का होना आवश्यक है, तो ये आर्टिकल 16(1) और 2 का वायोलेटिव नहीं होगा, ये माना गया। इस प्रकार आर्टिकल 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये व्यवस्था दी गई है कि ये एक तो इक्वालिटी के कंसेप्ट को ये बतलाता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में लिमिटेड होते हुए इसमें रिजर्वेशन को कंपनसेटरी बेनिफिट कहते हुए बीआर अम्बेडकर साहब ने ये सारी व्यवस्था दी है। और ये पिछड़े जो वर्ग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में बैकवर्ड एरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, जसपुर आदि, इनके अंदर स्पीडी डेवलपमेंट हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिले, सोशल वहाँ का डेवलपमेंट हो, स्टेट के पास ही पावर है कि वो इस पर पोस्ट रिजर्व करके विचार कर सकते, जहाँ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उन कास्ट का नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। नमस्कार।